ये तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे सर क्या बोले, ये तो हमारा हमारा कमेंट है, हम लोगों ने चेंज करके लाया और कमेंट लाया, ये आज दूसरा काम दूसरा टीम मतलब दूसरा ग्रुप ये आज ये फॉर्मूला को चिपका रहा है, ठीक है ना, और ये हम लोग 10 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो आज कुछ भी नया करने से पहले पूछ के तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है कि नहीं। तो आज इसीलिए पूछना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम सर का गुलाम है और सबसे बात और हमको कुछ भी करने के लिए इजाजत देना पड़ेगा, नहीं, पूछना जरूरी है एज अ भैया के हिसाब से एज अ सीनियर के हिसाब से, ठीक है ना। आज हम भी तो नया काम करने से पहले पेरेंट्स से पूछते हैं, यस और नो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब वो तो हमारे सिस्टम में पेरेंट्स है, हमारे सिस्टम में ज्यादा नॉलेज होता है, पूछ लेना सही है कि नहीं। ओके चलो, तो आज मैं बोलूंगा कि देखो आज हमारे पास क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ हमारे पास क्या है, हेल्थ है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक बार थोड़ा देखते हैं किसको कितना लोगों को पता है हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। कोई बताएगा 10 प्रोडक्ट का नाम, कौन बता सकता है कॉन्फिडेंस सर, कोई भी 10 प्रोडक्ट का नाम किसको पता नहीं है, कोई हाथ उठाओ, पता नहीं मैं अपना पता नजर नहीं। अच्छा ठीक है चलो, आप दोनों सीखना स्पेशली सभी लोग को पता है, ठीक है ना। चलो 10 प्रोडक्ट का नाम बताओ। नोनी, नोनी स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन सी, तुलसी, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास, और बोले जाए तो उसको कहा गया सर, आपका नाम नहीं बोला मैंने, हेल्थ वाला में, और ये अश्वगंधा, और कोई है जो बताएगा ये जो प्रोडक्ट बोला उसको छोड़ के। चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को मजा आएगा सीख के, ठीक है। ओके बोलो नोनी है कि नहीं, नोनी। अच्छा नोनी में भी तो बहुत सारे वैरायटीज है, ठीक है ना। नोनी कोकम, नोनी कोकम, नोनी प्रीमियम, प्रीमियम, नोनी गोल्ड, गोल्ड है कि नहीं, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी, प्रोटीन पाउडर, मिट्रास, आमला जूस, आपको जो चिंता है आमला जूस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आमला जूस, एलोवेरा जूस, दस हो गया। ओके इसका नाम है व्हीट ग्रास जूस विथ हनी, ठीक है, आंवला जूस विथ हनी, विथ हनी, एलोवेरा जूस विथ हनी, विथ हनी, फिर प्रोटीन पाउडर, क्या था, प्रोटीन लाइफ ना, वही दो फ्लेवर में आता है, एक वेनिला चॉकलेट, वेनिला और एक चॉकलेट, वेनिला बीच होते हैं ना, बीच होता है ना, बीच होता है, ओके ठीक, ओके 10 यहाँ का नाम लिखा, ठीक है ना। ओके और कोई बताएगा इसके अलावा, और 5 कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके, हाँ हेल्थ के पहले बात करते हैं, ओके ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओके ग्रीन कॉफी और फ्लैक्सीड्स और स्पेलिंग मिस्टेक होने से थोड़ा संभाल लेना, और न्यू प्रोडक्ट और नया प्रोडक्ट, हाँ कोई लोग नया प्रोडक्ट हो जाएगा, अश्वगंधा भार झुको दो खास तो लोग, हाँ अजीत बताओ, अश्वगंधा, हाँ ब्राह्मी, शिलाजीत, अश्वगंधा, ब्राह्मी, नंबर 2 शिलाजीत,
बर्गर है सुनम सर और बड़े स्थानीय बहुत सारा प्रोडक्ट है ना, लिखते जाएंगे तो बहुत लगता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देख लो, आपको जिन लोगों को पता नहीं, हम लोगों को देख लो तो बहुत सारा प्रोडक्ट है ना। अभी क्या है, कैल्शियम है और क्या है, मोरिंगा, मोरिंगा जॉइन केयर, एंटीऑक्सीडेंट नहीं आ रहा है, दो साल पहले और पहले के वाला में पहले वाला नहीं, अभी वाला में पीनट बटर नहीं, अभी जो पहले वाला प्रोडक्ट है, हां मतलब पीनट बटर चल रहा है, पीनट बटर और ये नहीं, ये है और रागी सीड, रागी आए कुकीज वगैरह हमको सबके बारे में जानकारी रखना, ठीक है ना। हो सके तो आप सभी के बारे में एपी एमआरपी एंड माइल्स को आप इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। और साथ ही साथ कॉम्बो लिस्ट, कॉम्बो लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 कॉम्बो हो, 10 कॉम्बो है जिसको हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। 10 से 12 कॉम्बो, ठीक है ना। फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रोडक्ट है ही, तो yes. कहने का मतलब क्या है कि आज हमारे पास रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और एक टाइम पे शायद सब जब सर हमारे विवाह सर जब एडमिशन लेते तो एक भी प्रोडक्ट नहीं था, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और आज हमारे पास इतना प्रोडक्ट है कि बोर्ड कम कर रहे हैं देखने के लिए, ठीक है ना। और एक टाइम पे इतना आया कि शायद हम लोग याद भी नहीं रहेगा कि इतना प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बाद में पता चला अच्छा ये तो हमारे कंपनी में भी मिलता है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, आज हमारे पास रेंज है प्रोडक्ट का, आज हमारे पास बहुत कुछ, ठीक है ना। तो आज हमारे पास और एक जो मैं बता रहा था लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है ना, जिसको हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको लेकर हम बहुत सुंदर से काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है ना। इस तीन कैटेगरी को पकड़ के हम लोग बहुत सुंदर से काम कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करने जाऊं तो हम लोग एग्रीकल्चर को लेकर जैसे मैं बोलता था, एग्रीकल्चर ठीक है क्या है, मेरा ऐसे एक साल पहले मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता, एग्रीकल्चर आपको बोलना है बोल के दिए ना, आपको बोलने का काम है, उसके बाद साथ आप निकल जाए ना, मेरा उसके बाद से मर्जी, मैं मुझे जो करना है मैं करूंगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर आपको बोलना है बोलिए ना, हेल्थ आपको बोलना है बोलिए ना, आपको तो सिर्फ एजुकेशन पे ही काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ISO 9001:2000 सील मार दिया तो एडमिशन लिया था कि मैं एजुकेशन पे ही काम करूंगा, मैं हेल्थ पे नहीं करूंगा, मैं एग्रीकल्चर पे नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही नहीं, आज से 2016-2017 में हम लोग का प्रोग्राम कितना बार होकर गया, वहां पे कंपनी का ऑफिशियल आकर हम लोग एग्रोविडा के बारे में बहुत सुंदर से, एग्रोलेजर के बारे में बहुत सुंदर से समझा के जाते थे, ठीक है ना। वहां पे हम लोग क्या करते डेमो करके जाते थे, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं थे, ठीक है ना। हम लोग एक नंबर का ढीठ इंसान थे, ठीक है ना, कितना भी कोई समझा समझेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ दिमाग में एक चीज था कि हम लोग सिंपल एजुकेशन को लेकर काम करेंगे। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक बार आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग को ढीठपन को हटाइए और एक बार सोच के देखिए, डिब्रूगढ़ टाउन, ठीक है ना, टाउन जहां पे हम लोग एजुकेशन को लेकर बहुत सुंदर से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस टाउन का बाहर में जाएंगे तो आसपास में कितना गांव मिलेगा, कितना टी गार्डन एरिया मिलेगा, कितना धान करने वाला जगह मिलेगा, आप एक बार सिर्फ सोच के देखो। तो सोचो और आप बताओ कि एजुकेशन में ज्यादा काम कर सकते हैं ना, ज्यादा एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं ना, ज्यादा हेल्थ पे काम कर सकते हैं, आप सिर्फ सोच के देखो, ठीक है ना। आज बीमार किस घर में नहीं है, तो हम हेल्थ पे भी काम कर सकते हैं और एग्रीकल्चर आज हमारा देश का बैकबोन है, उसको तो छोड़ नहीं सकते, और एजुकेशन के बिना हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है, तीन ऐसा सेक्टर है जो तीनों एक से बढ़कर एक है, तीनों एक से जबरदस्त एक है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ तीनों को लेकर काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सोच को बड़ा करना पड़ेगा, बस थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आज अगर मैं बहुत बात करने जाऊँ तो हम लोग का एक सीनियर सर है, वे भी महाराष्ट्र में रहते हैं, रवि कोरे सर, ठीक है ना सर, महाराष्ट्र में रहते हैं, हाँ वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है ना, सोलापुर, हाँ सोलापुर में रहते हैं और पिछला 10 साल से काम कर रहे हैं और एक ही डिस्ट्रिक्ट में रह के अप्रोक्स 10 साल से काम करके उनका टीम में शायद 10 कार अचीवर भी होंगे, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा बड़ा टीम में नहीं है, बट हेल्थ को लेकर इतना काम होता है कि रिटेल करके शॉपिंग उस एरिया में शॉपिंग भी ना, मतलब ऐसा ही जो स्टॉक पोजीशन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि बस सोच को बड़ा करना पड़ेगा, बस थोड़ा हमारा अपना दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो मेरा जिंदगी क्या था एक टाइम में, मैं बता रहा हूँ, स्लिंग सफरी से स्कूल और स्कूल से घर, बस यही था, ठीक है ना। डिब्रूगढ़ में मतलब थोड़ा बड़ा एरिया कोई है, कोई देखने वाला जगह है या फिर कितना बड़ा डिब्रूगढ़ है कुछ पता नहीं था, ठीक है ना। कोई आता था मुझसे पूछा डिब्रूगढ़ में रेस्टोरेंट भी है क्या, ये क्या होता भाई, कौन सा चिड़िया का नाम है रेस्टोरेंट, ठीक है ना। हमको तो पता था गिरधारी होटल, ठीक है ना, जहाँ पे पूरी खा सकते हैं हम इसको छुट्टी के बाद, टिफिन के बाद, ठीक है ना। तो जिंदगी कुछ ऐसा था। तो कहने का मतलब जिंदगी को हम जिस दायरे में सोच है, इस सोच से बाहर निकालना है और डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, बस एक बार अपना सोच को बड़ा करना, ठीक है ना। ओके, तो आज नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बुलाऊंगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, एसपीएल को कैसे करना है और एसपीएल के लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या न्यू है। तो थोड़ा आज हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने चहेते लीडर सर को बुलाना चाहूंगा।